गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर मल्टीप्लिकेशन फॉर क्लास थर्ड। चैप्टर फिफ्थ है अपना। हमने इसकी एक्सरसाइज 5.5 तक कर ली थी कंप्लीट, जिसका वर्क मैं आपको सेंड कर रही हूँ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। 5.6 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। पहले बुक निकालेंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 135 बॉल्स। मतलब एक बॉक्स है उसमें 135 बॉल्स हैं। हाउ मैनी बॉल्स आर कंटेंट इन 84 सच बॉक्सेज। मतलब ऐसे अगर 84 बॉक्सेज हों तो उनमें कितनी बॉल्स आएंगी टोटल, है ना। ये तो क्या करना है आपको, इसमें पता चल रहा है साफ साफ। एडिशन करोगे, अगर रिपीटेड एडिशन, मैंने बताया था मल्टीप्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लेक्शन करोगे तो 84 टाइम 135 को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, 135 को 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। लिखा है ना मैंने वहाँ, तो पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं हम। पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब बॉक्सेस के कितने नंबर हैं। लिखा हुआ है ना 84 सच बॉक्स, तो 84 तो बॉक्सेस है अपने पास। नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बॉक्सेस, फर्स्ट लाइन है ए बॉक्स। ए बॉक्स का मतलब एक बॉक्स है, उसमें 135 बॉल्स हैं। लिख दिया, ये क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स हैं। फिर क्या करना है, नंबर ऑफ बॉल्स इन 84 बॉक्सेस। मतलब ऐसे ही अगर 84 बॉक्सेस हो तो उनमें कितनी बॉल्स आएंगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या करेंगे, ये जो डिजिट है 8 को ऐसा वैसा पड़ा रहने देंगे, पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 135 से। तो 4 की टेबल पहले 5 टाइम बोलेंगे, वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं ना। तो 5 4 जा 20, आपको टेबल आनी चाहिए सबको। तो 5 4 जा 20 हो गया, और 2 अपने पास कैरी ओवर। फिर 4 की टेबल 3 टाइम, क्या डिजिट आती है, 12 12 में हम 2 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 14 14 का जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे तो हमने यहाँ ऐड कर दिया, और जो 1 है उसे हम कैरी ओवर में लिख देंगे, हो गया। फिर 4 की टेबल कितने टाइम बोलनी है, 1 टाइम। तो 4 1 जा 4, और 1 अपने पास कैरी ओवर का है, तो यहाँ हम ऐड करके लिखेंगे 5, ठीक है। आप ऐसे इसको ऐसे ही करोगे जैसे मैं करवा रही हूँ ना, ऊपर कैरी ओवर मत लिखना, क्योंकि थर्ड क्लास में अब आप बड़े हो गए इसलिए नहीं लिखेंगे हम, ऊपर डायरेक्ट करेंगे। फिर 4 का कंप्लीट हो गया 135 से मल्टीप्लेक्शन, अब 8 का मल्टीप्लेक्शन करेंगे 135 से। तो 8 की टेबल बोलेंगे हम, पहले 5 टाइम बोलेंगे, तो 8 5 जा कितना होता है, 40। पहले हम यहाँ ये मल्टीप्लेक्शन का साइन भी लगाएंगे, क्योंकि इस जीरो के नीचे अब कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए, जो फर्स्ट, क्योंकि हम सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ एक मल्टीप्लेक्शन का साइन राइट करेंगे। तो 8 5 जा 40 हो गया। फिर ये ज़ीरो हमने यहाँ राइट कर दिया, 8 की टेबल अब 3 टाइम बोलेंगे, क्योंकि ये जो 4 है अपने पास ये कैरी ओवर में रह गया। 8 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, तो 24 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा 28। वही जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो तो हम यहाँ मल्टीप्लेक्शन में राइट कर लेंगे। जो 2 है, जो टेंस प्लेस पे डिजिट रही है, उसे हम कैरी ओवर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 2 हमने यहाँ साइड में ऐसे रफली लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है नोटबुक में। फिर ऐड की टेबल बोलेंगे 1 टाइम, 8 1 जा 8, और ये 2 ऐड कर देंगे, तो कितने आएगी डिजिट, 10। अब इसको, इन दोनों डिजिट को ऐड कर देंगे। तो पहले एडिशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना एडिशन। वंस प्लेस पे क्या डिजिट है, 0, 0 के नीचे कुछ नहीं है, ऐसा कैसा लिख दिया। फिर 4, क्योंकि 4 के नीचे 0 है, 0 ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर 8 और 5 कितना होता है, 13, 13 के लिए 3 लिख दिया, और ये 1 कैरी ओवर में आ गया, तो 1 प्लस 0 1, और ये 1 ऐसा कैसा। क्या डिजिट आई अपने पास, 11,340। मतलब 11,340 बॉल्स 84 बॉक्सेस में आ जाएंगे। तो अब हमें नीचे एक लाइन लिखनी है, 11,340 बॉल्स आर कंटेंड इन 84 सच बॉक्सेस। ये लाइन आपको जो क्वेश्चन में लाइन है उसी से बना के लिख देनी है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इन ए फॉरेस्ट नियर बाई वी हैड 258 ट्रीज। मतलब एक फॉरेस्ट में 258 ट्रीज हैं। इन ईच ट्री वी काउंटेड 16 बर्ड्स नेस्ट। मतलब एक ट्री पे 16 बर्ड्स नेस्ट, यानी जो घोंसले बनाते हैं ना पक्षी, उनके घोंसले हैं। एक ट्री पे कितने हैं, 16 हैं।
हाउ मैनी नेस्ट्स वर देयर इन ऑल द ट्रीज, मतलब पहले तो ट्रीज़ का नंबर दे रखा है कितने हैं 258, फिर एक ट्री पे कितने नेस्ट्स हैं, नेस्ट हैं 16, तो हमें क्या करना है, पहले लैंग्वेज लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज 258 दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ बर्ड नेस्ट इन ईच ट्री बोला था ना मैंने अभी, तो 16 लिख दिया हमने, नंबर ऑफ नेस्ट इन 258 मतलब टोटल ट्रीज का पूछा है इसमें, ये लिखा हुआ हाउ मैनी नेस्ट्स वर देयर इन ऑल द फॉरेस्ट, तो कन्फ्यूज़ मत होना, पहले हमें फॉरेस्ट के लिए कितनी मतलब उस फॉरेस्ट में कितने ट्री हैं उसका नंबर दे रखा है, फिर इसने पूछा है कि टोटल फॉरेस्ट में कितने वो नेस्ट हैं, तो मतलब टोटल ट्री में कितने नेस्ट हैं वही डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो हमने 258 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 6 को ऐड से करेंगे, ऐसे राइट करके ही मल्टीप्लिकेशन होगा, डायरेक्ट मत करना, उसमें भी किया था ना हमने, तो हम करेंगे पहले 6 को ऐड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी डिजिट 48 आएगा ना, तो 4 तो कैरी ओवर में लिख लेंगे और ऐड यहाँ लिख लेंगे, फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की टेबल बोलेंगे आप 5 टाइम और 4 ऐड कर देंगे उसमें तो 34 आ जाएगा, फिर 6 2 जा 12 और 3 15 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना मत भूलना और डिजिट एक दूसरे के एकदम नीचे लिखना, मतलब सारी डिजिट इक्वल लिखनी है, कहीं आप 0 यहाँ लिख दो ऐसे वैसे नहीं करना, इक्वल टू इक्वल डिजिट आनी चाहिए, फिर 1 के टेबल बोलेंगे एट टाइम तो 8 ही आ जाएगा, 4 के नीचे लिखना वरना फिर आप एडिशन करोगे तो गलत हो जाएगा एडिशन, फिर 5 की टेबल 1 टाइम 5 फिर 2, अब इनका एडिशन कर देंगे, अब देखो एकदम एक दूसरे के नीचे लिखिए ना तो एडिशन एकदम क्लियर आएगा, तो पहले 8 फिर 8 और 4 12 5 5 10 और 1 इसका कैरी ओवर तो 11 1 2 और ये 1 4, तो आंसर क्या है अपना 4128 और नीचे इसी की तरह एक लाइन राइट लिख देंगे 4128 नेस्ट आर देयर इन ऑल द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ही लिखा है हमने क्योंकि क्वेश्चन में फॉरेस्ट में ही पूछा था ना, तो इसके जो थर्ड से आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इन दोनों का जो वर्क है वो मैं आपको वर्कशीट में सेंड कर दूंगी, थैंक यू।